गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ चैप्टर थर्ड एक्सरसाइज थर्ड बी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज थर्ड बी क्वेश्चन नंबर 1। अ टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस 1,15,26,725 मीटर्स ऑफ क्लॉथ लास्ट ईयर एंड 1,39,08,980 मीटर्स ऑफ क्लॉथ दिस ईयर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन 2 years। आल्सो फाइंड हाउ मच मोर क्लॉथ वाज प्रोड्यूस्ड दिस ईयर्स। फर्स्ट ऑफ दे रखा है टेक्सटाइल मिल प्रोड्यूस्ड, कितने इसने प्रोड्यूस कर रखे हैं। प्रोड्यूस्ड क्लॉथ इज इक्वल टू 1,15,26,725 मीटर ऑफ क्लॉथ लास्ट ईयर एंड 1,39,08,980 मीटर्स ऑफ क्लॉथ दिस ईयर। ये लास्ट ईयर था और दिस ईयर कितना है इज इक्वल टू 1,39,08,980 मीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ प्रोड्यूस्ड इन 2 years। टोटल बताना है तो टोटल के लिए कर लेंगे प्लस। फाइव 8, 9, 10 कैरी 1, 9, 10, 17 कैरी 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैरी 1, 2 और 1, 3 9 plus 5, 14 कैरी 1, 3, 4 और 1, 5 1, 2 2,54,35,705 मीटर क्लॉथ। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मच मोर इज 70 लाख देन 48,745,760। ठीक है, फर्स्ट ऑफ लिख लेते हैं 70 लाख। योगा 48,745,760 पूछा हाउ मच मोर, यानी इसमें करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। जीरो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6, 4 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 7, 2 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 5, 4 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 4, 5 ये हो जाएगा 9, 9 माइनस 8, 1 हो जाएगा 6, 6 माइनस 4, 2 21,54,240 हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। टू मेक 8 करोड़ व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू द सम ऑफ 95,36,532 एंड 6,96,45,082। फर्स्ट ऑफ जो हमारे को नंबर दे रखी है 95,26,532 और 6,96,5,082 इसको हम करते सबसे पहले सम करते हैं इसका। यहां लिख लेते हैं
sum of 6,96,45,082 प्लस करते 95,26,532 2 + 2 = 4 8 + 3 = 11 कैरी 1 5 + 1 = 6 6 + 5 = 11 कैरी 1 4 5 6 = 7 6 + 5 = 11 कैरी 1 9 9 18 19 कैरी 1 7,91,71,614 ठीक है। अब आगे आपको ये कह रहा है कि एट करोड़ से इसको निकालना है कि इसमें क्या ऐड करना है। ठीक है तो हम देखते हैं 8 करोड़ लिखते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 - 4 = 6 9 - 1 = 8 हो जाएगा 10 हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 हो जाएगा 7 9 - 1 = 8 9 - 6 = 3 9 - 1 = 8 9 - 7 = 2 9 - 1 = 8 9 - 1 = 0 7 - 7 = 0 ठीक है। हमारा आंसर आ गया 8,28,386। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 7,95,431 and 1,54,795 and 25,69,541 from 75 lakh। फर्स्ट ऑफ हम सम करते हैं। सम ऑफ 7,95,431,1,54,795 and 25,69,541 5, 6, and 7, 9, 10, 11, 12, 12 + 4, 16 carry 1, 5, 9, and 10, 10, 17 carry 1, 9, 10, 10, 15, 15, 4, 19 carry 1, 9, 10, 10, 10, 15, 15 + 6, 21 carry 2, 7, 8, 9, 10, 10, 5, 15 carry 1, 2, 8, 3 35,90,767। अब इस डिजिट को हम 75 लाख से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 6, 7, 1, 9, 3, 5
इसको हम सबट्रैक्ट करते हैं, योगा बराबर 10, 10 माइनस 7 3, योगा 9, 9 माइनस 6 3, 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 1 8, योगा हमारा 4, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 6, 5 माइनस 14 9 एंड 6 माइनस 3 3, हमारा आंसर आएगा 39,80,233। क्वेश्चन नंबर 5, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 50,780, आउट ऑफ दिस ही स्पेंड्स 10,500 ऑन हाउस रेंट एंड 1,575 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड एंड 5,775 ऑन प्रोविजंस, फाइंड हिज रिमेनिंग हाउस। प्रेशन की इनकम कितनी है, यहाँ लिखते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम आ रही है हमारे पास रुपीज 50,780, ठीक है। अब एक स्पेंड कर रहा है, उसको देखते हैं हम स्पेंड किस किस चीज में कर रहा है। फर्स्ट ऑफ स्पेंड कर रहा है आपके हाउस रेंट पे, कितना हाउस रेंट रुपीज 10,500। एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, रुपीज 1,575। प्रोविजंस पे खर्च कर रहा है रुपीज 5,775। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले हम इसका टोटल स्पेंड जो कर रहा है उसको टोटल कर लेते हैं। फाइव फाइव टेन कैरी वन, 7,14 और 1,15 कैरी वन, 5,5,10,17 और 1,18 कैरी वन, 5,6 और 1,7 और ये 1। तो टोटल स्पेंड कितना कर रहा है, यहाँ लिख लेते हैं टोटल स्पेंड। टोटल स्पेंड कर रहा है रुपीज 17,850। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड इज रिमेनिंग इनकम, है टोटल इनकम कितनी आ रही है, बच रही है उसकी। तब यहाँ पर हम देखते हैं इसका टोटल इनकम इज इक्वल टू रुपीज 50,780, स्पेंड कितने करे इसने रुपीज 17,850। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको, 0, 8 माइनस 5 3, ये हो जाएगा 17, 17 माइनस 8 9, ठीक है, ये हो गया 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 1 3, तो रुपीज 32,930, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर।